हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो डीआरडीओ एमटीएस की तरफ से आप सभी के लिए जो रिक्वायरमेंट इनवाइट की गई थी, जो कि 2019 में निकल कर आया था वैकेंसी एमटीएस के लिए। तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि इसका अभी तक एग्जाम नहीं लिया गया है, एग्जाम कंडक्ट नहीं कराई गई है डीआरडीओ की तरफ से। तो फ्रेंड्स बहुत डिले कर रही है डीआरडीओ। आप सभी को हम फ्रेंड्स बता दें कि डीआरडीओ एमटीएस का जो वैकेंसी है 2019 में निकल कर आई हुई थी, जो टोटल पोस्टों की संख्या कितना था तो 1417 था, और इसका लास्ट डेट कब तक था तो 23 जनवरी 2020 तक था। तो दोस्त अभी तक इसका 2 साल से ज़्यादा होने जा रहा है, यानी 3 साल का लगभग हो ही जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी तक इसका कोई भी जो है अपडेट या नोटिस जारी नहीं किया गया है एग्जाम को लेकर के। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं कि इसका जो है एग्जाम डेट कब तक जारी किया जा सकता है एंड इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नहीं व्यू रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आता है तो सबसे पहले आप सभी को जो इन्फॉर्मेशन दे सके। तो दोस्त यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। हाँ तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि डीआरडीओ एमटीएस का एग्जाम अभी तक कंडक्ट नहीं कराई गई है, बट इधर हम देखें फ्रेंड्स तो एसएससी जीडी का अभी एग्जाम फिलहाल में चल रहा है। एसएससी जीडी ने अपना कब्जा जमा रखा है, ठीक है दोस्त। तो आप सभी यहाँ पे समझ सकते हैं कि डीआरडीओ एमटीएस की तरफ से अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं की गई है कि हाँ इसका जो है प्रोसेस चालू है या कोई भी मतलब जो है एग्जाम होने वाली है। तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि अभी तो एसएससी जीडी ने कब्जा कर रखा है, इसके बाद जैसे ही एसएससी, ठीक है, एसएससी जीडी का जैसे ही एग्जाम खत्म होगा तो फ्रेंड्स हो सकता है क्या होगा ही ग्रुप डी, ठीक है, ग्रुप डी रेलवे का जो है वो पूरा अपना कब्जा जो कर लेगी पूरे सेंटर पर। तो इधर तो कम ही चांस बनते हैं डीआरडीओ एमटीएस का एग्जाम कंडक्ट कराने की, बट ये हो सकता है कि यदि ग्रुप डी इसके बाद एग्जाम नहीं ले तो एमटीएस जो है डीआरडीओ एमटीएस जो एग्जाम अपना कंडक्ट करा सकती है। यदि ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हुआ तब का हम बात कर रहे हैं, यदि ग्रुप डी रेलवे ने अपना कब्जा जमा लिया तो फ्रेंड्स बहुत ही कम चांस बनता है कि एमटीएस डीआरडीओ का एग्जाम हो सके, क्योंकि काफी संख्या में बच्चे जो है फॉर्म अप्लाई किए हैं ग्रुप डी का एंड उसमें काफी सीट भी है। तो फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि आप सभी को यहां पर डीमोटिवेट नहीं होनी है, आप अपना तैयारी जारी रखें, क्योंकि डीआरडीओ एमटीएस की तरफ से कभी भी नोटिस जारी किया जा सकता है, कभी भी इंफॉर्मेशन आ सकता है एग्जाम को लेकर के। तो फ्रेंड्स आप अपना जो है तैयारी जारी रखिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स यदि आप सभी को जो है डेट पता नहीं है कि कब एग्जाम होगा तो आप सभी को हम बता दें फ्रेंड्स कि 2022 में इसका एग्जाम कंफर्म है कि हो जाएगा। अब ये डेट कंफर्म पता नहीं है कि कब होगा, बट यदि ग्रुप डी का एग्जाम नहीं होता है तो आप सभी को हम बता दें कि इसका एग्जाम डीआरडीओ एमटीएस का जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद।